वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में हम बिजागा ऐप के बारे में बात करेंगे, जो बिहार में जाति आधारित गणना का जो कार्य चल रहा है वो, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट चरण का जो कार्य था वो 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक किया गया। इसके बाद जो सेकेंड चरण का जो ये काउंटिंग होगा जनगणना, वो ये 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक किया जाना है। तो ये सेकंड चरण में जो काम होगा वो बिजागा ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से काम किया जाएगा। तो हम आज के वीडियो में बताएंगे कि आप उसका उपयोग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में चल जाना है। प्ले स्टोर में आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है बिजागा ऐप। जैसे ही ये आप बिजागा ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बिहार सरकार का जो ऐप, तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये ऐप का लोगो दिख जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो पहले आपको डिवाइस रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ये OTP डाल के आप इसको डिवाइस रजिस्टर कर लेंगे। डिवाइस रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन देगा। तो लॉगिन करने के लिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितने भी परगणक है उन सभी के मोबाइल पे SMS के द्वारा लॉगिन ID और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका जो परगणक है, आपका नाम और ये एड कास्ट सर्वे डाटा सर्वे लिस्ट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली आपको यहाँ पे माय प्रोफाइल पे आके आपको श्योर कर लेना है कि ये मेरा ही आईडी है। अगर आप दोस्तों इन आईडी के पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी आप कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इसमें एंट्री जो है वो डाटा परपत्र आप भर चुके हैं। तो एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे एड कास्ट सर्वे डाटा पे क्लिक करना है प्लस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट है वो यहाँ इस तरह से दिख जाएगा कि आपने फर्स्ट चरण में जितने भी घर का जो डाटा आपने कलेक्ट किया था वो फैमिली का नाम आपको दिख जाएगा और आपका उस फैमिली में कितने मेंबर है वो भी आप शो यहाँ पे देख सकते हैं। कि जैसे सुरेश चौधरी, तो इसका जो फैमिली मेंबर है वो 11 है इस तरह से। तो आपको इसमें जो फैमिली का मेंबर का इसमें एंट्री करना है, आप यहाँ से नाम सर्च कर भी सकते हैं, सर्च करके और उसका एंट्री कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके भी आप देख सकते हैं कि जोन फैमिली का हमको एंट्री करना है उसका यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे आपको ये गोरा दास, इसका 6 फैमिली मेंबर है, तो आपको जब तक 6 फैमिली का मेंबर का पूरे ऐड नहीं करेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये, हम महेंद्र दास, इसका 2 फैमिली मेंबर है, इसको हम एंट्री करके बताते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली, अब आपका जो है वो इस तरह से खुल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, उसका कोड, चार्ज ब्लॉक का नाम कोड, पंचायत का कोड नाम, वार्ड का कोड, इनुमेरेशन ब्लॉक, सब इनुमेरेशन ब्लॉक का कोड, है ना, इस तरह से नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड, जो उस फैमिली का मुखिया है उसका नाम, इसके बाद सीरियल नंबर, फैमिली सीरियल नंबर, है ना, और ये टोटल नंबर ऑफ मेम्बर इन द फैमिली 2, और बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, ये सब भी। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर यानी प्रपत्र संख्या जो आपने इस फैमिली का जो एंट्री किया है उसको या तो आप स्कैन करके उसका बारकोड स्कैन करके डाल सकते हैं, या नहीं तो फॉर्म नंबर जो वहाँ पे लिखा होगा 8 डिजिट का वो आप डाल के इसको एड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको उस प्रपत्र के अनुसार जो 17
ये कॉलम है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें है ना 17 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें सिंपली आपको फुल नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, तो ये फैमिली का प्रधान है, ये मुखिया खुद है महेंद्र दास, तो यहाँ महेंद्र दास डाल दिए। उसका फादर का नाम अकॉर्डिंग टू जो आप प्रपत्र भरेंगे वो इसमें फादर्स नेम डाल देंगे, महावीर दास। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति है ना, यानी बिहार के डोमिसाइल है या नहीं है, जीवित नहीं है। यहाँ पे अगर वो डेट अगर कोई कर जा रहा है तो उसका यहीं पे जीवित नहीं है पे ऑप्शन के दो नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ रह रहा है तो यहाँ जीरो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के मुखिया के साथ इसका क्या संबंध है, तो प्रधान स्वयं है, पति पत्नी पुत्री, इस तरह से आपको टोटल 9 रिलेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो इसमें आपको भरे रहेंगे जो रिलेशन रहेगा उसको इस पर आपका कोड के साथ क्लिक करना है। तो हम इस पर एक नंबर पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो प्रधान स्वयं है। इसके बाद एज, एज आप अकॉर्डिंग टू प्रपत्र में जो भरे रहेंगे उतना यानी 55 तो 55, 60 जो भी है वो डाल देंगे। इसके बाद 5 नंबर में आता है जेंडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर पुलिंग के लिए 1, स्त्रीलिंग के लिए 2 और अन्य के लिए 3, तो यहाँ पुरुष है तो 1 डालेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति 6 नंबर में आपको यहाँ पे अविवाहित है उसके लिए 1, वर्तमान में विवाहित है तो 2, विधवा है या विधुर है तो 3, संबंध विच्छेदित है तो 4, अगर तलाकशुदा है तो 5, तो ये वर्तमान में विवाहित है तो इसको हम 2 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिलीजन, इसका धर्म क्या है, इस तरह से आपको टोटल 8 देखने को मिल जाएगा, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म और कोई नहीं। अगर कोई कहता है कि हम कोई धर्म के मानने वाले नहीं हैं तो 8 क्लिक करेंगे, और इस तरह से अगर हिंदू है तो 1 इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जाति, नाम और कोड, तो टोटल जो है वो जाति आपको लिस्ट मिल गया होगा उसके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 216 है, 215 है, इसके अलावा अगर कोई है तो वो अन्य में 216 सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो जाति है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में आपको देख सकते हैं टोटल 53 है, इसमें आपको जो बताया गया है प्रपत्र के अनुसार कक्षा 5 है ना, 0 पूर्व प्राथमिक है तो 0, 1 के लिए कक्षा 1 के लिए 1 है, कक्षा 2 के लिए 2, इस तरह से डिप्लोमा अभियंत्रण ITI 13, कक्षा 12 के लिए 12, कक्षा 10 के लिए 10 है ना, विज्ञान है, स्नातक वाणिज्य है, इस तरह से आप सेलेक्ट जो है वो कर लेना है। तो कक्षा 10 तक पढ़े हुआ है तो हम 10 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद पेशा, पेशा इसका क्या है, प्रोफेशन, तो इसमें सरकारी नौकरी कर रहा है, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट, असंगठित क्षेत्र, स्वरोजगार है ना, खेतिहार मजदूर है, निर्माण मजदूर है, अन्य मजदूर है, मिस्त्री है, भिखारी, कचरा बिन्ना, अन्य विद्यार्थी, गृहिणी, कुछ नहीं तो 15, इस तरह से वो स्वरोजगार कर रहा है तो 4 दे देंगे। इसके बाद 11 नंबर में आता है आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति उसका पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा है तो 1, पक्का मकान 1 कमरा है तो 2, खपरेल 3, छत है तो 3, झोपड़ी है तो 4, आवासहीन है तो 5, तो पक्का मकान 1 कमरा इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद अस्थायी प्रवासी स्थिति बिहार के लिए है तो लागू नहीं है, बिहार के अन्य स्तर पर नौकरी का रोजगार है, इस तरह से आप लागू नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप 13 नंबर, अगर उसके घर में इंटरनेट के साथ कंप्यूटर है तो 1, इंटरनेट के बिना कंप्यूटर है तो 2 और नहीं है तो 3 नहीं है। इसके बाद मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, इस तरह से आप 2 पहिया है तो 1 दे देंगे। इसके बाद कृषि भूमि, कृषि भूमि कितना है उसको 0 है तो 0 जो है जितना एकड़ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आवासीय भूमि घर का 5 डिसमिल से अधिक है, बहुमंजिला इमारत, फ्लैट है, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
सभी स्रोतों से मासिक आय, इसका जो मासिक आय है एक महीना वो कितने कमा रहा है वो आपको देना है। इसके बाद उसका आधार नंबर, आधार नंबर डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने उसका एक फैमिली मेंबर का नाम एंट्री कर लिया है और टोटल उसमें दो फैमिली मेंबर था, तो एक और फैमिली मेंबर का इसका जो है वो इसी तरह से टोटल 17 क्वेश्चन का ये भरेंगे, फिल करेंगे, तब इसको हम सबमिट करेंगे, तो ये हमारा सुपरवाइज़र आईडी में जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने ये परिवार का फर्स्ट मेंबर का नाम ऐड किए थे, उसी तरह से परिवार के सदस्य का ये दूसरा मेंबर है उसका हम पूरा डिटेल फिल करेंगे। तो ये हो गया सविता देवी, इसका पति का नाम था महेंद्र दास। इसके बाद परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति, बिहार में रहता है तो 0। रिलेशन विद परिवार के मुखिया के साथ, इसका क्या रिलेशन है तो पति पत्नी है। एज इसका हो गया 50। जेंडर हो गया स्त्रीलिंग तो 2 है ना। वैवाहिक स्थिति, वर्तमान में विवाहित है। रिलीजन हो गया हिंदू। कास्ट हो गया आपको जो इसका पति का था। शैक्षणिक योग्यता 8। इसके बाद इसका पेशा, यानी ये गृहिणी है तो गृहिणी सेलेक्ट कर लेंगे। आवासीय स्थिति, इसका एक कमरा सेलेक्ट किए थे तो पत्नी पत्नी का भी सेम रहेगा। अस्थाई प्रवासी स्थिति, ये बिहार में रह रहा है तो लागू नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप इसके पास नहीं है। मोटर गाड़ी नहीं है। एग्रीकल्चर भी इसके पास नहीं था। आवासीय स्थिति 5 डिसमिल। इसके बाद मासिक आय इसका 6000 रुपया, जो पति का रहेगा वही इसका भी हो जाएगा। इसके बाद इसका आधार नंबर सिंपली आपको डायल करके और रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा रिव्यू में कि हमने जो एंट्री किया है उसका फॉर्म नंबर इतना है, हाउस होल्ड हेड जो है वो महेंद्र दास था, हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर इसका 29 है, फैमिली सीरियल नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर और हाउस नंबर, ये सिर्फ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप जो सेव किए हैं इसका, वो दो फैमिली मेम्बर का, एक महेंद्र दास का और एक सविता देवी का, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बार जमा करने के बाद आप जो संपादित नहीं कर सकते हैं उन्हें हटा दें। तो यहाँ पे अगर आप सबमिट करना चाहते हैं है ना, तो ये पर्यवेक्षक के पास चला जाएगा ये डाटा इस फैमिली का। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके सबमिट नाउ क्लिक कर देंगे। इसके बाद भी आपको एक बार कन्फर्मेशन मांगा जाएगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पे यस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप एडिट पे कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, या नहीं तो इस पे यस कन्फर्म करेंगे तो ये डाटा जो है हमारा वो आपको सुपरवाइज़र आईडी पे चला जाएगा जो इसका सुपरवाइज़र होगा। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जैसे सर्वे लिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ड्राफ्ट में कितना है, आपने नोट फील्ड यानी कितना आपको घर ये सबमिट करना है, कितना आपने सबमिट कर दिए, और टोटल आपका जो फैमिली मेंबर है वो कितना है, वो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल पे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल फैमिली मेंबर यहाँ शो कर जाएगा। इसके बाद सबमिट आपने कितना किया है, यानी सुपरवाइज़र के पास आपने कितना भेजा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपने नोट फील्ड यानी ये सब आप जो है वो इसका एंट्री नहीं किए हैं, और अगर ड्राफ्ट में कोई ये एंट्री करके छोड़ दिए हैं तो आपको ये ड्राफ्ट में देखने को मिल जाएगा बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पर्यवेक्षक के आईडी से आप उसको किस तरह से है ना चार्ज अधिकारी के पास उसको भेज सकते हैं।